मरी काया करे ताल रामा अब के मोसर लारा ले चलो ओ गोरे बाप जी गगन मंडल झूलो बांधियो ओ गोरे अब ये झूले महाराज श्री भगवान रामा संगेरी सहेलिया झूला दे रही अगर मारी माला रामणी याद रामा छोड़ी मत जा जो बन में एकली अगर मारी काया करी गार रामा अब के मुसर लारा ले चलो बाप जी भनते मच्छिंदर गोरख बोलिया ओ अब ये पाया गे बेकुंठे बास रामा अब के मोसर लारा ले चलो ओ गोरे ये जाता है नी जब पांच तत्व होती है के माला रमणिया छोड़ी मत जा जो बन में एक काया रे करता रब के मौसा ला रहा नहीं चलो तो कहीं क्यों ने कहीं के भगवान ने जब ये बोले है नहीं इसने किया ये डूंगा बेल है इसने किया के देख जिसने जोड़ी उसने तोड़ी मैं क्या जानू मैं तो ये जाता इस मकान में निवास किया मैंने इसको ही छोड़ जाता इस मकान की भी छोड़ जाए ना ये ले अब ये निकली जाए ना या तू अभी यो मकान डल दिया है अभी यो या कुटड़िया इसके लिए घन मथन करते हैं ये नहीं होते इसके क्या रोए काय के माथा फोड़ कर आई ये काय लो माथा फोड़ करी सब पेट के लिए दौड़ते हैं माँ चुटाते हो दादा हम तो सही से कहती हूँ अच्छा झूठ बचा नहीं सौ टका जब क्यों भाई अब ये तो करनी आना सर देखो भैया जी करनी करोगा सब पारो तो ये करनी करे तो क्यों डरे ने करके क्यों पछता अरे बोया पेड़ बहुल का तो आम का से खा खुल गया बाजारे की मार अड़जियो पर मगर खुल गया बाजारे की मार ले ताला खुल गया ये बींजन सारी का भाई बोलिया बोलिया दोरू ने पेड़ा दे जियो पर मगर बोलिया बोलिया दोरू ने पेड़ा दे जुग जुग सरना का मैं दास ने खुल गया बाजारे की मार अड़जियो पर मगर खुल गया बाजारे की मार ताला जय
से पार गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत पवन कारेला, उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस जकेला, उड़ जाएगा जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। ये कुमार जी की खुद की हैंडराइटिंग है और ओरिजिनल है। ये बिल्कुल वो जो फोक में उन्होंने सुना, फोक में उन्होंने सुना। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कुमार जी ने जिस ढंग से कबीर जी को लोगों के सामने रखा है, उसे कबीर जी का मतलब ज़्यादा स्टेटस उनका बढ़ गया है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि ये भिखारी का गाना क्यों गा रहे हैं, ऐसे भी लोग थे, जैसे मान्यवर मराठी साहित्यिक ऐसे बोलते थे। और फिर भी कुमार जी ने वो गाना छोड़ा नहीं। क्या कबीर जी है वो कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से खुद पहचाना और हमें भी उद्युक्त किया कि भाई ये सुनो, कबीर क्या कहता है ये सुनो। This entire content was new to the world of Indian classical music. It was not just rejection of ritual and other things, but the sheer hollowness and the awesome futility of life. ये तो नहीं थी हमारे यहाँ जो भजन गाए जाते थे उसमें, ये नहीं था। चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, निर्मल होत शरीर, ये तो यह अच्छा है, दिस इज डिलाइटफुल भक्ति, लेकिन दिस डिमांड्स ए हायर काइंड ऑफ सरेंडर विच यू कैन डू ओनली इन योर ओन कंपनी, इन द माइनॉरिटी ऑफ वन एंड विथ नोबडी टू कंसल्ट, नोबडी टू असिस्ट। अड़सठ तीरथ घट के भीतर यो ही मैं मल मल नाऊंगी, गंगा न जाऊ जी, जमुना न जाऊ जी, ना कोई तीरथ नाऊ जी, वह अड़सठ तीरथ घट के भीतर। कबीर इज नॉट ओनली इंटरोगेटिंग रिलीजन्स एंड रिचुअल्स एंड रिलीजियस लीडर्स एंड पांडे जी एंड मुल्ला एंड ऑल दैट, ही इज मोर इम्पॉर्टेंटली and more primarily interrogating himself. Kabira khada bazaar mein ye dukati haath jo ghar phuke apna chale hamare saath, to wo bazaar mein beech bazaar mein bula raha hai, ye koi ki jangal mein aake humse milo aur hum tumko koi bhabhoot de denge, isse aajkal ke baba log dete rehte hain, wo is tarah ka koi mukti dene ki baat nahi hai, wo to ye hai ki jab tum swayam apne lagavon se, jab apni आसक्ति से मुक्त होकर उसको भस्म करके
अपने घर को जला के जब आओगे और मैं तो बाजार में बुला रहा हूं, तब तुम मेरे साथ चल सकते हो। कबीर की अविचल आस्था है, लेकिन आस्था प्रश्नवाचकता को समाप्त नहीं करती, जबकि ज्यादातर आस्थाएं कि अब आप सवाल नहीं पूछ सकते, आस्था है तो फिर सवाल क्या पूछना। ये ना तो कबीर के यहाँ है और ना कुमार गंधर्व के यहाँ। संगीत में रहकर संगीत के बारे में सवाल उठाना, ये कुमार गंधर्व की अद्भुत विशेषता थी। उनकी कई बार जो वर्जित स्वर का इस्तेमाल कर लिया, कई इसका कुछ कर दिया, कई राग नए बना दिए, कई कहा कि इसको यूँ कर दें तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सब प्रश्न पूछने के तरीके हैं। और एक मतलब कुमार जी कबीर की तरह ही आस्थावान थे, बाकायदा धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। लेकिन एक किस्सा है कि वो एक बार हरिद्वार गए तो साधु लोग पीछे, चलिए चलिए भगवान का दर्शन करा दें, तो कुमार जी ने झुंझला के कहा, ऐसा बताते हैं, कि भगवान, मैं खुद भगवान, मुझे किस भगवान की दर्शन करने हैं। नाउ एट वन लेवल इट इज़ अ वेरी शैल वी से वेरी एरोगेंट रिमार्क, फॉर एट अनदर लेवल इट पॉइंट्स टू ए सर्टन आइडेंटिफिकेशन दैट थ्रू म्यूजिक यू आर वन विथ क्रिएशन। आप ब्रह्म हैं क्योंकि आप रचते हैं, मतलब देन आई एम नॉट ए सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम गॉड। तो ये जो असल जनतंत्र तो ये है, दिस इज इवन डेमोक्रेटाइजिंग गॉड। इन अदर वर्ड्स, कुमार मेड भक्ति पोइट्री ए म्यूजिकल टेम्पल टू विच यू कुड कम विदाउट हैविंग टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द रिचुअल्स एंड हैव द एक्सपीरियंस of connecting with a larger reality without believing in this god or that god or in this religion or that religion. So it generated a new spirituality.